और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, रायपुर से, जहां कांग्रेस की जीत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। खैरागढ़ उपचुनाव को उपचुनाव के बाद बड़ी घोषणा की गई है। खैरागढ़ को जिला बनाने की सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री बघेल ने बड़ी घोषणा की है। खैरागढ़ गंडई छुई खदान के नाम से जाना जाएगा जिला, नया जिला की घोषणा की गई है और खैरागढ़ गंडई छुई खदान के नाम से नया जिला जाना जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद ये घोषणा की गई है। इससे पहले भी ये बात कही गई थी कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी उपचुनाव जीतती है उसके बाद खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी जाएगी। तो अपना वायदा पूरा कर यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है, खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खैरागढ़ गंडई छुई खदान के नाम से जाना जाएगा नया जिला। और इसी खबर पर रायपुर से सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आकांक्षा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। इससे पहले जो वादा किया गया था कांग्रेस ने भी वादा पूरा कर लिया है, किस तरह से माहौल बना हुआ है लोगों में और खासकर कांग्रेस के बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा? जी आकांक्षा, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की घोषणा पत्र चुनाव के दौरान एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें उनकी ओर से घोषणा पत्र में ये वादा भी किया गया था कि जैसे ही खैरागढ़ में कांग्रेस में विधायक अगर जीत के आते हैं तो उस क्षेत्र को यानी कि खैरागढ़ श्रीखदार और गंडई को अगले ही पल जिला बना दिया जाएगा। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। खैरागढ़ श्रीखदान और गंडई क्षेत्र को मूल रूप से जिला बना दिया गया है। इसके अलावा हम देखें तो सालेवारा और जालबांधा को, सालेवारा को यहाँ पे तहसील और जालबांधा को उप तहसील बनाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। आज मुख्यमंत्री के निवास स्थान पे कांग्रेस की जो नव निर्वाचित विधायक है यशोदा वर्मा वे पहुंची हुई थी और इस दौरान उनका गाजे गाजे के अलावा पटाखों के साथ भी स्वागत किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास पे एक समारोह का भी आयोजन किया गया था। सीधे रूप से देखिए इसे मिलन समारोह भी कहा जा सकता है। मिलन समारोह के माध्यम से मुख्यमंत्री से नवनिर्वाचित जो विधायक है उन्होंने मुलाकात भी की है और मुलाकात के दौरान ही मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया है। सीधे तौर पर उनका ये भी कहना था कि हमने घोषणा कही थी 14 घंटों में जिला क्षेत्र को बनाया जाएगा लेकिन महज 3 घंटे में यानी कि निर्वाचित होने के महज 3 घंटे में ही जिले की घोषणा उस क्षेत्र के लिए कर दी गई है। एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री निवास में की गई है। जी बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से हम चुनाव प्रचार देख रहे थे तमाम घोषणा यहाँ पर तमाम पार्टियों, चाहे तो बीजेपी की ओर से बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस की बात हो, तमाम घोषणाएं की गई थी और नए नए घोषणा पत्र जारी किए गए थे। ऐसे में 24 घंटे की बात कही गई थी, महज 3 घंटों में घोषणा कर दी जाती है। डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया, उनका कहना है कि ये जो घोषणा की गई थी जिला बनाने को लेकर यही असर रहा कि कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। बिल्कुल देखिए, भाजपा लगातार उपचुनाव में परिणाम के बाद कांग्रेस पर निशाना साधती रही और भाजपा का सीधे तौर पर कहना था जो कांग्रेस को परिणाम मिले हैं यानी कि जिस प्रकार का जो जनादेश मिला है वो जनादेश महज जिस प्रकार से घोषणा की गई थी कांग्रेस की ओर से उस क्षेत्र में जिला बनाने की, तो ये घोषणा का ही प्रतिशत कांग्रेस को क्षेत्र में मिलता नजर आया है। बहरहाल कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष भी किया है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है जिला बनाने की का जो घोषणा था वो महज एक मुद्दा है लेकिन जो विकास कार्य है उन विकास कार्यों को ही जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला। सीधे तौर पर कहें 3.5 साल का जिस प्रकार का कार्यकाल कांग्रेस का प्रदेश भर में रहा है उस कार्यकाल को ही मुहर यहाँ पे लगाई गई है। उस कार्यकाल के दौरान तमाम जो विकास कार्य किए गए हैं उन पर ही मुहर आज इस परिणाम के दौरान लगती नजर आई है। जी बिल्कुल आकांक्षा, विकास कार्यों पर मुहर लगी है और ऐसे में सेमीफाइनल माने जाने वाले उपचुनाव में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। आगे 2023 का जो चुनाव अहम होगा। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया आकांक्षा। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ी घोषणा की है, साथ ही खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा कर दी है और अब खैरागढ़ गंडई छुई खदान के नाम से नया जिला जाना जाएगा।